क्या अच्छी हेल्थ और अच्छे रिलेशन में कोई रिश्ता है? जिमी कार्टर जिन दिनों यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब उनकी शादी को 38 साल यानी 38 ईयर्स हो चुके थे। ऐसे में बारहां ऐसा होता था कि कई बार कार्टर जब तैयार होकर बाहर निकलते थे तो रोजली जो उनकी धर्मपत्नी थी उनको थोड़ा सा विलंब, थोड़ी सी देरी हो जाती थी, और उसको लेकर के कार्टर और रोजलिन में हमेशा कुछ तीखी बातें होती थी। अब तय है कि चूंकि कार्टर नेवी के बैकग्राउंड से थे और एक सैनिक के रूप में उन्होंने काम किया था, तो वक्त के बहुत पाबंद थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि हर जगह वो टाइम से पहुंचना चाहते थे, और उन्हें ये बुरा लगता था कि कोई भी उनको किसी वजह से लेट होना पड़े। रोजलिन कोशिश करती थी और वो टाइम से पहुंचती भी थी, लेकिन कभी कभी अक्सर होता ये था कि अब फौजी को कोप अप करना तो थोड़ा मुश्किल था, वो गृहिणी थी, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी, और ऐसे में होता ये था कि कार्टर उन्हें कुछ खरी खोटी सुना दिया करते थे। तो ऐसे में ही एक दिन कार्टर को अपना भाषण तैयार करना था। वो अपनी स्टडी में गए और भाषण तैयारी करने में जुट गए। फिर उन्हें लगा कि रेडियो सुनना चाहिए, क्योंकि रेडियो में ताज़ा खबरें होती हैं और उसके हिसाब से बहुत रेलिवेंट होता है जब वो भाषण तैयार करें। जब कार्टर ने रेडियो ऑन किया तो उन्हें पता चला आज तो रोजलिन का बर्थडे है, और तब उन्हें धक्का लगा क्योंकि उन्होंने कोई गिफ्ट या कोई उपहार लिया ही नहीं था। अब देश की फर्स्ट लेडी के लिए प्रेसिडेंट को कुछ तो करना था और करना भी चाहिए था। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब ऐसे टाइम में जबकि इमरजेंसी जैसा है, उन्हें भाषण तैयार करना है और उन्हें उनके पास समय नहीं है कि वो कुछ गिफ्ट लें या मंगाएं या क्या करें। तो कार्टर ने क्या किया, उन्होंने एक रास्ता निकाला। रास्ता क्या, उन्होंने एक छोटे से पेपर पर एक छोटा सा पत्र लिखा। उन्होंने रोजलिन को लिखा कि हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और चूंकि मैं अक्सर तुम्हारी लेट लतीफ़ी के लिए तुम्हें कुछ न कुछ खरी बातें सुना दिया करता हूँ, तो आज तुम्हारे जन्मदिन पर मेरा एक वादा है, और यही तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है, कि मैं जीवन में अब कभी भी तुम्हें इस बात के लिए कुछ भी सुनाऊंगा नहीं। उन्होंने लेटर पर अपना साइन किया, उसे एक लिफाफे में रखा, रोजलिन के पास पहुँचे, उन्हें बधाई दी, लिफाफा उनके हाथ में रखा और अपने स्टडी में लौट आए। कहते हैं कि उसके बाद जीवन भर कार्टर ने अपने इस वादे का पालन किया। कार्टर आज 96 ईयर ओल्ड है और रोजलिन 93 ईयर ओल्ड। जीवन में प्रेम का, दाम्पत्य का इतना सौंदर्य कम देखा गया है। इतना लंबा जीवन और साथ साथ, और वो यूं ही नहीं है। कार्टर का एक एनजीओ है जिसमें वो काम करते हैं, उनका एक स्टूडियो है जिसमें वो कारपेंट्री करते हैं और अफोर्डेबल हाउस बनाने की प्रक्रिया में जुटे रहते हैं। वो उन गरीबों की दुनिया भर में मदद करते हैं जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए घर मुहैया कराते हैं, और रोजलिन उसमें उनका साथ देती हैं। तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, एक बहुत दिलचस्प रिसर्च के रिजल्ट सामने आए हैं। हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट नाम से ये रिसर्च है और उसे हार्वर्ड ने किया है। ये रिसर्च शुरू हुई थी 1938 में, जब ग्रेट डिप्रेशन का वक्त था, और लगभग उसी वक्त में ये रिसर्च शुरू की गई थी, और ये देखने की कोशिश की गई कि क्या लंबे जीवन और सफल जीवन में रिश्तों की कोई भूमिका है। इसके लिए जो वॉलंटियर लिए गए वो उस समय जो हार्वर्ड में पढ़ रहे थे उन लोगों को लिया गया, और कुछ दिनों बाद फिर बोस्टन से कुछ लोगों को उसमें शामिल किया गया। ये रिसर्च 79 ईयर्स तक लगातार चलती रही। वो जिन लोगों को वॉलंटियर्स बनाए थे वहाँ पर वो जाते थे, हर साल उनके का इंटरव्यू लेते थे, उनसे बात करते थे, उनके डेवलपमेंट को देखते थे और उस पर अपनी स्टडी तैयार करते थे। और ये पाया गया कि जिन लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे थे वो जीवन में सफल भी बहुत अच्छे हुए और उन्होंने जीवन में उपलब्धियाँ भी बहुत हासिल की, और जिन लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं थे उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हुई, वो असमय में उनका निधन भी हुआ, उसमें बहुत सारे लोग शराबी भी हो गए, बहुत सारे लोग फेल्योर का सामना उनको करना पड़ा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी गई। और सफल लोगों में तो कैनेडी जैसे प्रेसिडेंट भी थे और कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे डॉक्टर, कई सारे बड़े लॉयर ये पाए गए। तो क्या जीस्ट है इस रिसर्च का? रिसर्च के जीस्ट के तीन पहलू हैं।
पहला ये कि जो लोग बहुत सफल हुए वो किसी न किसी क्लोज रिलेशन में थे। ये क्लोज रिलेशन क्या है? ये क्लोज रिलेशन आपका आपकी पत्नी से हो सकता है, आपके भाई से हो सकता है, आपके दोस्त से होता है, माता पिता से हो सकता है, बच्चों से हो सकता है, जी आपके समाज से भी हो सकता है। तो जीवन में जिन लोगों के बहुत क्लोज रिश्ते हैं वो बहुत सफल होते हैं। ऐसा क्यों? रिसर्च में ये भी पाया गया कि जिनके रिश्ते बहुत क्लोज होते हैं उनको डिप्रेशन, उनको एंग्जाइटी, उनको स्ट्रेस, इन सब चीज़ों का सामना जरा कम करना पड़ता है और बहुत जल्दी वो इससे निकल आते हैं। आप जानते हैं कि स्ट्रेस का सामना करने पर कितनी सारी बीमारियां आदमी को हो जाती हैं और एंग्जाइटी का शिकार होने पर आदमी कितने मुश्किल में पड़ जाता है। तो ये पहला पहलू है कि किसी क्लोज रिलेशन में, वो क्लोज रिलेशन किसी से भी हो सकता है आपका। दूसरा पहलू ये है कि क्या वो रिलेशन क्वालिटी रिलेशन है? यानी ऐसा तो नहीं है कि हज़ारों लोग आपके फेसबुक पर आपके दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या वो रिलेशन क्वालिटी है या बस यूं कि दिखाने के लिए भाई मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरे इतने दोस्त हैं। और ये भी तय है कि बहुत ज़्यादा दोस्त आपके नहीं हो सकते। आपका एक व्यक्ति से भी अगर क्वालिटी रिलेशन है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आसानियाँ बहुत हैं। आप देखते ही हैं कि पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी, बहुत सारे मतलब आपने कई सारे सेलिब्रिटी के बारे में सुना होगा कि वो टिकटॉक पर बहुत अच्छे उनके फॉलोअर थे पर उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? एक अजीब सा फियर, एक डर या लोनलीनेस, ऐसा क्यों हुआ होगा? इतने सारे फॉलोअर तो थे उनके, फिर उनको ऐसा क्यों लगता होगा? इसलिए कि क्वालिटी रिलेशन नहीं थे। गुलजार साहब का एक बहुत सुंदर सा गीत है, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही रहता लेकिन कोई मेरा अपना। ये मेरा अपना है कि नहीं आपके पास, जिसे आप मेरा अपना कह सकें, जिसे कभी भी किसी मुश्किल के दौर में कभी भी आप फ़ोन कर सकते हो। आप जब मुश्किल में हो, तकलीफ़ में हो, तो आपके मन में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ख्याल आता हो कि मुझे इससे बात करनी चाहिए? ठीक वैसे ही जैसा महाभारत की कहानी में आपने देखा होगा कि द्रौपदी जब कौरवों की सभा में पूरी तरह असहाय हो गए, जब उनके पति कुछ नहीं कर रहे थे, बड़े बड़े योद्धा उनकी मदद के लिए नहीं थे, तब उन्होंने अपने मित्र, अपने दोस्त केशव को बुलाया और जब उन्होंने उन्हें पुकारा तो वो समय पर पहुंचे भी और बहुत कुछ वो आप जानते हैं उस कहानी को कि उन्होंने उनकी अस्मत बचाई। तो क्या ये तो बड़ी कहानी है, पर क्या कोई ऐसा दोस्त है इस भरी दुनिया में कि आप जो आपको बिना जज किए आपकी बात सुन सकता है, बिना आपको नसीहत दिए आप जैसे हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करता है? क्या कोई आपका ऐसा अपना है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये क्वालिटी रिलेशन होना चाहिए, दो हो, चार हो, एक हो। एक रिसर्च ये भी है कि जो लोग शादीशुदा हैं वो लंबे समय तक जीते हैं। इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है, बस इसके पीछे कारण ये है कि दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अभी आपकी पत्नी को पता चले कि आपको कोई तकलीफ़ है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो देखिए आपकी मुश्किल हो जाएगी, बिना आपको डॉक्टर के पास ले जाए वो मानेंगे ही नहीं। आपके साथ भी ऐसा है, अगर आपको पता चले कि आपकी धर्मपत्नी के साथ कुछ ऐसा है तो आप भी पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल लगातार करते रहने से, ये केयरिंग है जिसकी वजह से लोगों की उम्र लंबी हो जाती है। ऐसे लोग भी हैं जो अकेले भी रहें लेकिन वो बहुत हुजूम में रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बहुत पॉपुलर और लोकप्रिय रहे, अकेले रहे हैं, लेकिन ये अकेलापन उनके साथ नहीं है। अकेलापन के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये सिगरेट पीने और शराब पीने से भी बुरी चीज़ है, इससे और ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। और किसे महसूस नहीं होगा? जिसके रिश्ते कहीं ना कहीं कई सारे लोगों से अच्छे होंगे। और इसका एक तीसरा पहलू भी है। तीसरा पहलू क्या है? तीसरा पहलू है खुशहाल रिश्ते। ये रिलेशन खुशहाल है कि नहीं, आप किसी से मिलके खुश होते हैं कि नहीं, वो जो आपके रिश्ते में लोग हैं उन्हें देखकर आप प्रसन्न होते हैं कि नहीं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है, ये पाया गया है कि जिनके रिश्ते खुशहाल होते हैं और अच्छे होते हैं उनका ब्रेन जो है वो धीरे धीरे एज्ड होता है, वो धीरे धीरे सिकुड़ता है। आम लोगों का जैसे कि बुढ़ापे में जल्दी ब्रेन जो है वो सिकुड़ जाता है, लेकिन ऐसे लोगों का ब्रेन जल्दी सिकुड़ता नहीं है, वो वैसे ही फ्लरिश रहता है। और ऐसे लोगों का अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी डिजीज़ भी बहुत कम होती है।
आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग नहीं के बराबर भी और लंबा जीवन जी रहे हैं। एक समय में पहले ये माना जाता था कि जेनेटिक्स जो है वो महत्वपूर्ण है लंबे जीवन के लिए, लेकिन इस रिसर्च के बाद ये माना जाने लगा कि रिश्तों का बहुत गहरा असर अपने लंबे जीवन और सफल जीवन पर पड़ता है। एक 90 ईयर से ऊपर के कपल से पूछा गया कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो जो श्रीमती जी थी उन्होंने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं कि इसका राज क्या है, लेकिन हमने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, ये कभी अकेले पार्टी में नहीं गए, मैं कभी अकेले सिनेमा नहीं गई, हम जहाँ भी जाते थे साथ ही साथ जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच अनबन नहीं होती थी और लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे, ये सब सीमाओं के बावजूद भी हम एक दूसरे का बहुत गहराई से सम्मान करते हैं। सम्मान से क्या होता है? ओकिनावा एक जापान का प्रदेश है जहाँ ये पाया गया है कि वहाँ लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं, ज़्यादातर लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, कई फैक्टर हैं, उनके खाने पीने का तरीका क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, पर उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर बुज़ुर्गों का सम्मान बहुत किया जाता है। जैसे यहाँ ट्रैफिक के नियम हैं, वहाँ एक नियम है कि आप अगर बुज़ुर्ग का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको सजा हो सकती है। ऐसे में ये देखा गया है कि जब बुज़ुर्गों का सम्मान होता है तो उनकी आयु और बढ़ जाती है। जब सम्मान होगा तो आदमी अपने को वर्दी समझता है, वो समझता है मैं किसी लायक हूँ, मैं किसी काम का हूँ, लोग मेरा सम्मान करते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, और यही तो रिश्ता है जो वो रिसर्च कह रही है कि इस रिश्ते से जीवन सफल भी होता है और अच्छा भी होता है। तो क्या ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसे देखकर आपके मन में ऐसा लगता हो या आपका मन ऐसा कहता हो कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धू तू घना साया। तो क्या आप किसी की ज़िंदगी में किसी के लिए एक साये की तरह या एक छाये की तरह हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो एक छाये की तरह हो? और अगर नहीं है तो ढूंढिए।